Hi everyone, my name is Ankita and welcome to my channel. Hi, कैसे हैं आप सब? Hope you guys are doing well. So, yet another weekend, and without any further ado, let's get this vlog started. So, कल वापस आने के बाद my leg has been hurting a lot. A lot means a lot. There's a slight swelling. So I realized कि जब मैं गाड़ी में बैठ रही थी सो आने समय गाड़ी में पीछे बैठना था एकदम लास्ट सीट में सो आई टू जम्प बिटवीन सीट्स एंड वहीं पर मेरा पैर कहीं यू नो मुड़ गया है. सो माई लेग हैज़ बीन हर्टिंग अ लॉट. सो मैं आयडेक्स एंड मोलिनी के यू नो रहमो करम में हूँ. सो या सो टुडे इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ वेरी सुपर चिल डे बिकॉज नॉट मच मूवमेंट. आई एम ट्राइंग टू गिव माई लेग एज मच रेस्ट एज पॉसिबल. आई हैड अ हार्ड नाइट यस्टरडे ऑल्सो बिकॉज रात को मैं बिल्कुल सो नहीं पाई बिकॉज ऑफ द पेन. बट लेट्स सी हाउ द डे गोज टुडे एंड या सो सबसे पहले वोलोनी स्प्रे फॉर द रिलीफ. And now let's head to the kitchen to make some breakfast. So aaj dosa batter tha, so I thought I'll make myself a uttapam and a cup of coffee. To wahi rahega aaj ka breakfast. सो ये मैं अनियन उत्तपम बना रही हूँ. खूब सारा कटा हुआ अनियन, चिलीज एंड चॉप कोरिएंडर लीव्स एंड जितनी ज़रूरत के हिसाब से तेल. यूजली तेल इस बॉटल से मेरा काफ़ी गिर जाता है सो टू जस्ट कीप इट इन चेक मैं अपना जो भी कच्ची है उसमें डाल के यू नो आई ट्राई टू यूज़ द ऑयल, अदरवाइज काफ़ी स्पिल हो जाता है मेरा ऑयल. तो गिवन ये थोड़ा थिक होता है तो ये थोड़ा टाइम लगता है पकने के लिए सो आई थॉट दैट आई विल क्विकली मेक यू नो कॉफ़ी इन दैट टाइम. तो मैं यहाँ पर जो भी कॉफ़ी शुगर वार्म वाटर को फेंट रही थी ताकि उसके ऊपर आई कैन जस्ट ऐड हॉट पाइपिंग मिल्क. जब मिल्क का कंटेनर खोला तो ये दूध फट चुका था सो द हीट इज़ जस्ट गेटिंग सो वर्स दैट दूध को अगर आप फ्रिज में ना रखो तो वो बिल्कुल ऐसे ही फट जाता है. सो एज द उत्तपम वॉज गेटिंग रेडी आई हैड टू गेट अनदर पैकेट ऑफ मिल्क. उसको बॉयल करना पड़ा देन आई हैड टू वेट टिल वो अच्छे से बॉयल हो एंड देन आई कुड हैव माई कॉफ़ी. इमेजिन द हार्डशिप गॉड. So had a good hearty breakfast. उसके बाद फिर I just got to my room, put down the blinds and got to reading. So this is the book I'm reading. It ends with us. इसके बारे में काफ़ी सुना recently. कैरी मेहता the Humans of Bombay chief, she had also added a post and I was like no I got to read this book. So I started on with this book and I took breaks between this and seeing WTF episode and I absolutely love this guy. I just binge watch all his episodes. So maine ye latest episode fir uska dekha. It was all on gaming and the trend and how it is doing in India. Once in a like maybe so in this duration my parents had gone out for you know the weekly grocery shopping ya jo bhi khatam ho gaya hai usko khareedne. So pass mein jo bhi shops hain unke usual Shopee Mart and then there is Big Market and I don't know, they have a couple of shops that they round upon and then they get these stuff.
सो ये सारा ग्रॉसरी आ गया था, मैं तो गई नहीं थी बाहर बिकॉज मेरे पैर की हालत ख़राब है. सो आई जस्ट वॉलंटियर्ड कि चलो गिवन यू गाइस डिड मोस्ट ऑफ द हार्ड वर्क आई विल पुट ऑल ऑफ दिस इन द रिक्वायर्ड प्लेसेस सो दैट यू नो इसको रखने का टास्क आपके हाथ से कम हो जाए. सो ये पहले तो इतने सारे यू नो सामान थे कि उसको बैग से किचन तक लाना ही बड़ा ही टास्क था. एक आई नो यू वुड हैव सीन अ लॉट ऑफ मेघना एंड यू नो नागार्जुना पैकेट्स. यस वी लव हैदराबादी फूड एंड द आंध्रा मील्स एंड द मेघना बिरयानीज आर एब्सोल्यूट फेवरेट. सो ये आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज ऑल द फूड आइटम्स दैट हैव बीन गॉटन. लाइक दीज आर ऑल द बंच ऑफ जंक. लाइक हमारे घर में जंक बहुत हम खाते हैं. चिप्स हो गया, स्नैक्स हो गए, भुजियाज हो गए, मिक्सचर्स हो गए, गुलाब जामुन्स एंड लॉट ऑफ ऑल दैट. सो या आई जस्ट दिस इज़ जस्ट मी यू नो डूइंग माई बिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड टेकिंग फ्यू टास्क ऑफ माई पेरेंट्स लिस्ट. इसके बाद तो मैं पूरा थक गया था बिकॉज इतनी गर्मी हो रही थी. फ़ैन थी तब भी गर्मी हो रही थी. तो उसके बाद आई थॉट आई यू नो हैव आइसक्रीम. सो मैंने ये जो एक वनीला वाला आइसक्रीम पड़ा हुआ था फ्रिज में उसको सोचा मस्त चॉकलेट सॉस के साथ ड्रिजल करके खाऊंगी. बट फेट हैड अदर प्लान्स. जम गया. I'm gonna have it like this only. फिर शाम को मैच देखा. देन आई somehow have skipped lunch today. Did not feel like eating as much. Was not really hungry. And look at the sun. This is at literally 6:15 or 6:20 in the evening. It's like really killing. तो फिर उसके बाद शाम को चाय के साथ पालक के पकौड़े बने थे तो वो enjoy किया. And then I got back to my reading again. उसके बाद आज तो I was like, you know, इतने सारे मेघना बिरयानी के जो bags थे उसको देख के I just could not contain myself and I ordered the boneless chicken biryani, जो मेरा absolute favorite है. So this was dinner for me and dad. Dad इतना खाते नहीं है आजकल, उनको मेघना बिरयानी apparently इतनी पसंद नहीं है.
बट मुझे तो काफ़ी पसंद है, बट आई कैन नॉट फिनिश द फुल थिंग, सो आई हैव टू कन्विंस हिम कि प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए, अदरवाइज यू नॉट हैप्पी द नेक्स्ट डे, विच आई रियली डोंट प्रेफर ईटिंग फूड विच इज़ अ डे ओल्ड, लाइक यू नो जो आया उसको ख़त्म करो, वरना यू नो जस्ट गिव इट अवे इज़ वॉट आई यूजली लाइक टू डू, बिकॉज दूसरे दिन खाना मतलब पता नहीं मुझे इतना मज़ा नहीं आता है, सो या बट स्टिल वी कुड नॉट फिनिश दिस, मी एंड माई डैड कुड नॉट फिनिश वन chicken boneless biryani, it's an irony I tell you, but I had absolute fun, matlab maza aa gaya, main shayad ye biryani I think 2024 mein again maine khaya nahi hai chicken biryani meghna se, because every time something or the other my mom will be like aaj mat khao kal khana, you know aaj ye hai aaj non veg nahi khana hai, I mean it's very easy for vegetarians right, like you know they'll every now and then say ki aaj mat khao non veg, so yeah, but anyway it is what it is, when you got to make some compromises here and there, so yeah, here it is, I finally relished the beautiful biryani, I just loved it absolutely. एंड उसके बाद बस उसके बाद आई जस्ट गॉट बैक टू रेस्टिंग एंड कॉल्ड इट अ डे, इट वॉज नॉट अ वेरी इवेंटफुल सैटरडे इवनिंग एज इट वुड हैव बीन, बट नन द लेस इट इज़ व्हाट इट इज़, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. खुश रहें, खुशियाँ बांटें, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप डिस्कवरिंग.